मितेश पटेल, द एंग्री यंग मैन ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। इंडिया के अंदर सोशल मीडिया में सबसे फेमस ट्रेडर्स में से एक मितेश पटेल। ये खुद का कैपिटल मैनेज करते हैं जो कि 20 से लेके 50 करोड़ के आसपास हो सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट एटलीस्ट 20 से लेके 30 करोड़ से तो ऊपर ही होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। और इन्होंने 2017 में ट्रेडिंग शुरू करी थी आई थिंक 45 लाख से, और इन्होंने 3 से लेके 4 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न बनाया है। और इनकी एक अच्छी बात जो मेरे को लगती है, इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है ये पब्लिकली शेयर करी हुई है, वीडियोस के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, अपनी चार्ट्स के थ्रू। इनके मैंने वीडियोस देखे हैं, इनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, और इन्होंने क्लियरली अपनी स्ट्रैटेजी बताई हुई है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इंटरव्यू है ये मनी कंट्रोल का इंटरव्यू है। मितेश पटेल बेसिकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं और स्टॉक के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो मैं आज आपको इनका स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो कि आप डिलीवरी बेस भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डिलीवरी बेस पर भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज जो स्ट्रेटजी का लॉजिक रहने वाला है वो सेम टू सेम रहने वाला है। पहले मैं आपको थ्योरी में बता देता हूँ, उसके बाद चार्ट में ले जाके आपको इनका एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, और स्ट्रेटजी बहुत बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब मैं ये ड्रॉइंग क्लियर करता हूँ और हम नीचे चलते हैं, हमें पूरा आर्टिकल देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करने की जरूरत है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हुआ मितेश पटेल से कि आप स्टॉक के अंदर फ्यूचर प्ले करते हो, कैसे करते हो? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है उन्होंने बोला है कि जो रिटर्न है बहुत हाई आता है इसके अंदर, और लॉस भी वैसे ही हाई आता है। अब मैं कुछ कुछ वर्ड्स हाईलाइट करूंगा, आप उधर ध्यान देना। तो जो सबसे पहला वर्ड है ये है ये वाला ब्रेकआउट ट्रेडर। ये बोल रहे हैं कि ये ब्रेकआउट ट्रेडर है, और जब ब्रेकआउट होता है तो वो उसके अंदर हाई वॉल्यूम जरूर देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था मैं चार्ट पे ले जाके आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा, सो अभी आप इधर समझ लो, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं उन्हीं की बातें आपके आगे पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है लिक्विड काउंटर्स। बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी होती है। ये फ्यूचर्स के अंदर लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, बट अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करने वाले हो तो मोस्टली आजकल काफी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम रहता ही है। जो अगला वर्ड है ये है रिट्रेसमेंट। बेसिकली इधर ये क्या कह रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेना पसंद नहीं करते। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये स्टॉक है ठीक है, इधर गया स्टॉक और इस लेवल पे इन्होंने बाइंग कर लिया, इधर ब्रेकआउट वाले लेवल पे। अब होता क्या है, रिट्रेसमेंट यूजली स्टॉक के अंदर आता है और इस लेवल से लोग कई बार बाय करना पसंद करते हैं, बट मितेश पटेल इस लेवल से बाय करना नहीं पसंद करते, ये सिर्फ इस लेवल पर ब्रेकआउट वाले लेवल पर बाय करना पसंद करते हैं। अगला जो वर्ड है ये है इंट्राडे। ये इधर बोल रहे हैं कि मोस्टली इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो इंट्राडे होते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जो मूव होता है बहुत ही फास्ट आता है। और इनके स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, जो स्टॉक अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास होते हैं उन्हीं को ये सिलेक्ट करते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को लगती है वो है ये वाली, यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ो। इधर ये बोल रहे हैं कि होता क्या है ब्रेकआउट ट्रेड के अंदर, आपके 3 में से 1 से लेके 2 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, बट जो तीसरा ट्रेड होता है वो इतना अच्छा खासा मूव देता है कि आपको अच्छा रिटर्न आ जाता है, आपका जो पिछला लॉस है वो भी कवर आ जाता है, प्लस कुछ रिटर्न भी मिल जाता है। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी मेंटली मान के बैठे हैं कि इनका जो एक्यूरेसी रहने वाला है वो सिर्फ 33% रहने वाला है, और ये इसमें भी खुश हैं। मैं जरूर, ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं कि 3 में से तो 2 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, तीसरा जो ट्रेड है उसमें मैं अपना लॉस भी कवर करूंगा और प्रॉफिट भी बनाऊंगा। आप काफी जगह ऐड देखते होंगे या फिर थंबनेल में देखते होंगे कि 99% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, कभी लॉस नहीं होगा, ऐसे ऐसे कैची जो थंबनेल्स बनाते हैं या फिर ऐड देते हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने अपने मल्टी एसेट ट्रेडर चैनल पे राकेश झुंझुनवाला सर पर एक वीडियो बनाया था, उन्होंने उसमें बोला था, मैंने प्रॉपर वीडियो प्ले करके दिखाई थी, उन्होंने उसमें बोला था कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना उसकी जो एक्यूरेसी है वो हार्डली 40% होती है, और उन्होंने खुद के बारे में बोला था कि हार्डली मेरा सिर्फ 40% का एक्यूरेसी है, और इतनी सी एक्यूरेसी के अंदर उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। बट मोस्टली लोगों को 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी चाहिए होता है, जो कि होता नहीं है। 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इंडिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो अगला बोल रहा है कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 40% है, और मितेश पटेल बोल रहे हैं कि इनका जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 33% है, बट आपको तो 100% चाहिए है ना।
आगे से आपको अगर YouTube पे या फिर Instagram पे कोई ऐड दिखती है जो बोलता है कि मेरे पास जो एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की वो 100% वाली है, उसको सबसे पहले जाके आप ब्लॉक मारो खुद की सेफ्टी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मितेश पटेल जो डेरिवेटिव के अंदर 150 स्टॉक्स हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करते हैं, हालांकि अभी आई थिंक 199 है या फिर 200 के आसपास तो है ही है। और उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव के अंदर 150 स्टॉक्स हैं, आपको डेली बेसिस पे एक से लेके दो ब्रेकआउट तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया ये ब्रेकआउट ट्रेडर हैं। वॉल्यूम देखते हैं, डेरिवेटिव स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं और जो इनकी एंट्री वगैरह होती है ये इंट्राडे बेस पे होती है, और स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको प्रैक्टिकली सभी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप उस पर फोकस करना। ये ब्लैक स्क्रीन है, अपना ब्राइटनेस आप थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब यहाँ पर आपको चार एरियाज दिख रहे हैं जहाँ पर वॉल्यूम अच्छी खासी है, और इधर मूव आया, इधर इधर और इधर ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। अब मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। इसको मैंने इधर से अभी डिलीट कर लिया और हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इधर ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा वॉल्यूम है इधर, और बड़ा कैंडल भी है। आप इधर अच्छा खासा वॉल्यूम चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा वॉल्यूम है, इस लेवल से ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो चुका था, और उसके बाद आप अच्छा खासा मूव देख सकते हो। उसके बाद एक अगेन लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो इधर ब्रेकआउट मिलता है और आप वॉल्यूम चेक करो, और मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं कि कितना परसेंट का रिटर्न मिला है, अगर हम मानते हैं इधर एंट्री हुई है तो इसने जो हाई मारा है बिना ब्रेक के ये लगभग 41% मारा है, और मान लेते हैं हमारा इधर को एंट्री हुआ था, ठीक है, अगले चार दिन के अंदर इसने जो हाई मारा है 27% का रिटर्न दिया है अगले सिर्फ चार दिन के अंदर। वो ऐसा नहीं करते हैं कि अगले एक महीने तक ऐसा ये वेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं करते वो। अगर उनको दो दिन चार दिन पाँच दिन के अंदर एक हफ्ते के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है या इंट्राडे में मिलता है वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं। तो आप उनके जैसा अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको बहुत एग्रेसिव ट्रेड करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपके डायरेक्शन में कोई स्टॉक जा रहा है तो आपको एग्रेसिवली बाइंग करना होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो स्टॉक कन्फर्मेशन दे रहा है कि मैं राइट हूँ। तो अगर मैं जब राइट हूँ तो मैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहता हूँ और मैं उसके अंदर बाइंग कर सकता हूँ, और साथ ही अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाता रहूँगा, ट्रेल करता रहूँगा और एग्रेसिवली बाइंग करता रहूँगा। तो मितेश पटेल बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वो अपना स्टॉप लॉस 1% से लेके 5% तक लेके जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप 1 से लेके 2% से आप ऊपर मत जाना। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये एक लेवल है, और यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करो। आप इधर वॉल्यूम चेक करोगे ना बहुत छोटा छोटा सा है, और आप इधर देखोगे तो क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे इधर से ही वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है और इधर से ब्रेकआउट होता है और उसके बाद ये यहाँ तक जाता है, हाई मारता है। अब आगे अगर हम जाएँ तो इधर आप वॉल्यूम चेक करो और इधर एक ब्रेकआउट आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, और दो दिन के अंदर ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर हम इधर से देखें तो इसने लगभग 54% का रिटर्न दिया है, और हम इधर से अगर एंट्री माने तो लगभग 18% का इधर रिटर्न मिल जाता है। 18% का रिटर्न मतलब आपको फ्यूचर के अंदर लगभग 50-60% का रिटर्न आ जाता है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल है, और यूट्यूब पर तो ये भरी पड़ी है, सभी लोग ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं बट सभी लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि सिर्फ 33% की एक्यूरेसी से वो ट्रेड करें। अब डेरिवेटिव्स के अंदर लगभग 200 स्टॉक्स हैं, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा सपोर्ट के पास है, कौन सा रेजिस्टेंस के पास है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मितेश पटेल मैन्युअली खुद डेली इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं मितेश पटेल के इंट्राडे स्ट्रेटजी पर भी वीडियो बनाऊं, मैं उस पर भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वो ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं अगर आप वो भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करो ताकि YouTube आगे ये वीडियो रिकमेंड करे लोगों को।